पास बहुत ही कम ऐसे सिंगर्स हैं जो अब ध्रुपद और धमार गाते हैं, और एक्चुअली सच पूछो तो आज की युवा पीढ़ी को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ ऑडियंस आई है और ध्रुपद धमार का जो महोत्सव है वो काफ़ी सक्सेसफुल होने जा रहा है। और अभी मैंने सुखदेव जी का गाना ध्रुपद सुना है, बहुत अच्छा गाया है उन्होंने, और मेघराग जो है बड़ा जमा है, और उनके साथ संगत भी पखावज की बहुत अच्छी रही। मेरे ख्याल से ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही कम होते हैं, ये साल में शायद एकाधिक कहीं प्रोग्राम होते हैं। तो मैं हिंदुस्तान की सरकार से डेफिनेटली प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम बाकी के संगीत को बहुत ऊपर ले आ रहे हैं धीरे धीरे, जो हमारी दूसरी गायकियाँ हैं जैसे ख्याल है, ठुमरी है, टप्पा है, दादरा है, मैं समझता हूँ ध्रुपद और धमार जो हमारे हिंदुस्तान की बिल्कुल मतलब फर्स्ट बहुत ही प्राचीन गायकी है, इसको अभी बहुत आगे लाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये ध्रुपद और धमार जो है यही ओरिजिन, ये ओरिजिन है म्यूज़िक का। और अगर हम ध्रुपद और धमार का जो है वो अगर हम ध्रुपद और धमार को कहीं से समझ सकें तो हमारे लिए बाकी की गायकी जो है बहुत ही ईजी हो जाएगी। ध्रुपद धमार में से ही ख्याल और चतुरंग थोड़ा सा लेकिन जो स्टूडेंट ये 10-12 साल निकाल लेगा तो मैं समझता हूँ कि ध्रुपद धमार के बहुत ही क्लोज की गायकी जो है वो बड़ा ही आसान सिंगिंग हो जाती है। सो जैसे कि आज की जनरेशन में सॉन्ग अलग होने लगे हैं जी, हाँ जी, हाँ जी, तो आप किस नज़र, आपकी क्या नज़र है? डेफिनेटली आज के ज़माने के जो गाने हैं वो ज़्यादातर हम सुन नहीं सकते हैं, ज़्यादातर हमको वो टेलीविज़न पर देखना पड़ता है। जब तक हम गाना देखते नहीं हैं तब तक हमको पता नहीं चलता ये कौन सा गाना है। पहले के ज़माने के गाने हम सुन सकते थे, हम सुन करके सारे गाने याद रख सकते थे। तो अभी मैं बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा हिंदुस्तानी अगर हम आ जाएँ और अगर हिंदुस्तानी फिल्में बनना शुरू हो जाएँ, क्योंकि फ़ॉरन के सब्जेक्ट्स फिल्मों में आते हैं तो उसका फॉरेन का ही म्यूज़िक होता है। तो मेरे ख्याल से अगर हम जैसे तानसेन जैसी कोई फिल्म है बड़ी मतलब राजश्री प्रोडक्शन ने शुरू की थी, लेकिन वो फिल्म बिकॉज हमारे प्यारे संगीतकार जी रविंद्र जैन जी नहीं रहे तो मेरे ख्याल से थोड़ी रुक गई है, लेकिन अगर उसको कंप्लीट करें, उसको रिलीज़ करें तो डेफिनेटली मुझे खुशी होगी कि हिंदुस्तानी संगीत जो है फिर से हम एक बार सुन सकेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।